वहीं दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ धरने की वजह से बंद नोएडा से फरीदाबाद और जैतपुर जाने का रास्ता 2 महीने बाद खुल गया है। ओखला और सुपरनोवा का रास्ता खोल दिया गया है। पुलिस ने आज सुबह इस रास्ते की बैरिकेडिंग हटा दी। हालांकि कालिंदी कुंज का रास्ता अभी भी बंद है। प्रदर्शनकारियों ने अपनी तरफ से कोई ढील नहीं दी है। पुलिस ने ओखला बख्शी विहार के पास जो बैरिकेडिंग की थी उसे हटा दिया गया है। नोएडा पुलिस ने ओखला बर्ड सेंचुरी के पास बैरिकेडिंग को हटा दिया। इससे बदरपुर जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर मंदिर में श्रद्धा और विधि विधान के साथ महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की 25 लीटर द्रव्य से महाभिषेक किया। संपूर्ण मानव जाति के कल्याण उद्धार समृद्धि एवं शांति के लिए प्रार्थना की। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर के मठ में स्थित शक्ति मंदिर में मठ पुरोहित आचार्य रामानुज त्रिपाठी समेत 11 वेदपाठी ब्राह्मणों के साथ अनुष्ठान किया। वहीं आमजन की नजरों से दूर मठ के प्रथम तल पर स्थित शक्ति मंदिर में तकरीबन 2.5 घंटे तक विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के 8वें अध्याय के पाठ के महामंत्रों द्वारा भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। योगी आदित्यनाथ ने 11 लीटर दूध 5 लीटर गंगाजल दही घी शर्करा मधु से भगवान शंकर का मंत्रोच्चार के बीच अभिषेक किया। इसके बाद औषधियों गन्ने के रस कुशा के रस धूप गुरुज के रस से अभिषेक किया। इस अभिषेक में कुल 25 लीटर महाद्रव्य भगवान पर चढ़ाया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में भी महाशिवरात्रि पर भगवान भोले के मंदिरों में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। आपको 12 शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां रात से ही मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक के साथ पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी बड़े मंदिरों में व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव बोलबम जैसे उद्घोषों के साथ शिवालय गूंज रहे हैं। कहीं रुद्राभिषेक और दुग्धाभिषेक तो कहीं पर महामृत्युंजय और शिव मानस पाठ का आयोजन किया जा रहा है। कई शिवालय में ओम नमः शिवाय के पाठ का महाजाप किया जा रहा है। महाशिवरात्रि के पर्व को बेहद ही शुभ संयोग में इस साल मनाया जा रहा है। और प्रयागराज में भक्त महाशिवरात्रि को किस तरीके से मना रहे हैं ये जानने के लिए सीधे रुख करते हैं प्रयागराज, जहाँ सैयद आकिब रजा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सैयद आकिब, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का माहौल आज देखने को मिल रहा है, कितना उत्साह है। महाशिवरात्रि का अद्भुत संयोग 117 साल बाद आया है, इस मौके पर कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में आकिब? अद्भुत है क्योंकि 117 साल के बाद ऐसी शिवरात्रि पड़ी और प्रयागराज में इसका एक अलग ही महत्व होता है क्योंकि प्रयागराज में माघ मेला चल रहा होता है और ये 6वां स्नान पर्व भी होता है और आज से ही माघ मेले का समापन भी हो जाता है। महाशिवरात्रि की बात करें तो सुबह से ही लाखों की तादाद में श्रद्धालु सबसे पहले संगम जा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और उसके बाद शिव मंदिरों में जा रहे हैं और वो पूजा कर रहे हैं। ऐसे में भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में जा रहे हैं और हम मौजूद है मनकामेश्वर मंदिर पे और आप हमारे ठीक पीछे आप देख सकते होंगे कि करीब 300 मीटर की दूरी पे यहाँ से मंदिर है लेकिन बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है और यहाँ पर आप काफी संख्या में जो गाड़ियां हैं वो यहाँ खड़ी है और सुबह से ही और आज दिन भर और तकरीबन रात के करीब 11 बजे तक यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आएंगे और मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे और शिव जी की पूजा करेंगे। आज की अगर महत्व की बात करें तो बहुत महत्व है क्योंकि आज के दिन भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह हुआ था तो ऐसे में जगह जगह पर बारात भी निकाली जा रही है और जितने भी शिव के मंदिर हैं वहां पर भक्तों का जमावड़ा जो है वो देखा जा रहा है तो एक अलग सा माहौल यहाँ देखने को जा रहा है और सभी लोग जय जयकारे लगा रहे हैं, शंकर भगवान के जो है वो जयकार कर रहे हैं तो ऐसे में भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं। जी आदित्य आकिब, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। वहीं पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुलंदशहर में भगवान शिव की देश के सबसे विशालकाय शिवलिंगों में से एक शिवालय है। इसकी ऊंचाई 70 फीट है। इस शिवालय को द्वादश
महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ के नाम से जाना जाता है। आज सुबह से ही यहां पर शिव जी को जल चढ़ाने वाले भक्तों का तांता लगा है। शिवालय की एक और विशेषता यह है कि यहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। इसमें शिव भक्तों को एक ही स्थान पर सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन प्राप्त हो सके। सिद्ध महापीठ की स्थापना और निर्माण विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य मंजीत धर्मध्वज ने किया है। सिद्ध महापीठ में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। वहीं लखनऊ के बुद्धेश्वर शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी है। सभी श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना में पूरी तरीके से लीन हैं। आज के दिन भगवान शिव के दर्शन और पूजन करने का एक अलग ही महत्व माना जाता है। बताया जाता है कि लखनऊ का प्राचीन बुद्धेश्वर मंदिर, भगवान शिव खुद भस्मासुर राक्षस से बचने के लिए आए थे। लखनऊ का बुद्धेश्वर मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना, अभिषेक और महाआरती होती है। शिवरात्रि के दिन बुद्धेश्वर मंदिर में भव्य मेला लगता है। ऐतिहासिक बुद्धेश्वर महामंदिर लोगों के लिए कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। सर मंगल मांगल्य शिव।